हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग अंशु शुरू करेगी। चलो बताओ अंशु। सुबह सुबह हम पास्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो ये हम बॉईल करने को चढ़ाएंगे। और ये लंच के लिए ना दाल मम्मी ने भिगो के रखा था। इसका हम मेदू बड़ा बोलते हैं ना, मेदू बड़ा बोलते हैं, मेदू बड़ा बनाएंगे सांभर चटनी के साथ। एंड और वो सब्जियाँ जो कटी हैं, और पास्ता में वैसे तो इतनी सब्जियाँ डलती नहीं है, प्याज टमाटर के साथ बनता है, बट अब हम सब चीज़ में सब्जी भर देते हैं तो इट हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस फ्रेंड्स, है ना। तो ये आज पास्ता, वेजिटेबल पास्ता फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तभी बॉईल करने बिठाएंगे। दूध हमारा हो गया है, चाय भी दो बार पी लिए हैं, और अब पास्ता की तैयारी। शो द पास्ता, नॉर्मल भी दो। नहीं देखो, सब्जी आप ऑलमोस्ट बन गई है, सब्जी है इतनी सारी है तो, और ये भी बॉईल हो गया है, उसको मिक्स करना है बस। मिक्स करो उसको, एक मिनट आप दो आप। आई थिंक हमने एक गलत यूटेंसिल कढ़ाई देखी है ना, थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है ना। हाँ, बट आई थिंक मिक्स तो हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आई थिंक वेजिटेबल्स थोड़ा नीचे है, उसको बस थोड़ा ऊपर लाके हम काफ़ी सारे वेजिटेबल्स। सो दिस इज फॉर द ब्रेकफास्ट फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय। लिख दिख भी नहीं रहा अच्छे से। एंड व्हाट इज द और क्या, एक मिनट जस्ट मूव लिटिल बैक, देन यू लेट ये ऊपर आने दो एंड देन यू शो। यस, थिंक नाउ इट। सो लेट्स एंजॉय द वैलेंटाइन वीक एंड का विद दिस पास्ता एज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ओके, बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए आज आपको क्या करना है। आई इट्स लुकिंग रियली टेस्टी। ओके, ब्रेकफास्ट ये जो मसाले पहले बच रहे थे ना, जो पिछले बार बनाई थी, हाँ, तो उसको रखा था मैंने। इस बार फिर से 2 किलो मिर्ची आशु से मंगवा के और फिर से इसको भर दे रही हूँ, तो इस बार अचार काफ़ी सारा हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये वही पर्दा है जो मैं उस दिन लेके आई थी, आपको दिखाया था और फिर बताई थी कि जब यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये मैंने आज लगाया है इसको और ये दिखा रही हूँ, इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। और नेट है तो अच्छा ही लग रहा है। और उसके साथ साथ मैंने संडे था तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है वो, और यहाँ तो सांभर बड़ा बन रहा है जी फ्रेंड्स। तो ये आज लंच का है और सांभर बड़ा बन रहा है, चटनी हो गई, हमारा सांभर भी हो रहा है, छौंक दिए हैं। एंड यहाँ हो रहा है बड़े की तैयारी। क्या हो रहा है बताओ? मेदू बड़ा उड़द की दाल से बना रहे हैं आज, और प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च डल गया है, और अब इसको फ्राई करूँगी और फटाफट लंच। आज का ये स्पेशल लंच, मिर्च। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं पूजा समय तो हम लोग आए नहीं, और ये गृह प्रवेश तो हम लोग आए नहीं, बस थोड़ा सा समय निकाल कर और पानी क्या बोल रहा है के बाद तो हम हाफ एन आवर के लिए यहाँ थे। ये दीपाली के गृह प्रवेश है और जस्ट घर के पास ही पहुँचा था, तो ये नया घर क्या कैसे पहुँच गए आज बेस्ट स्टूडेंट का घर का
ओके बेटा, सो यू हैव टू कीप अप टू योर वर्क। और देखो भागे भागे हम लोग स्कूल से आके पहुंच गए, तो गॉड ब्लेस और अच्छा है, तरक्की करो। ओके हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज 14th फेब और अभी शाम का समय है और ऐसा कुछ भी सेलिब्रेशन जैसा नहीं है, लेकिन आज एक चैलेंज था हर एक फैमिली मेम्बर के लिए कि हर कोई कुछ ना कुछ करेगा एंड एवरीबडी लव्स ईच अदर एंड यस इट इज़ अ डे ऑफ लव, तो डे ऑफ एक्सप्रेशन टू शो लव। और अब आज मेरे तरफ से पार्टी है, सो वी ऑल आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुडे। और कल का दिन तो कल मैं सामने से आ नहीं पाई, कल बहुत ही बिजी डे था। और एक्चुअली हुआ क्या कि सुबह से कुछ ना कुछ लगा रहा और लगा ही संडे, एक तो संडे था और सुबह का नाश्ता, मैं बाहर आ गई हूँ, कितना अच्छा सा लग रहा है देखिए। तो सुबह नाश्ता पास्ता बनाया, उसके बाद थोड़ी सी हाउस क्लीनिंग। कल मैंने वो जो नए वाले पर्दे लेके आए थे ना उसको भी लगाया, तो मैं वो उसकी भी एक क्लिप दिखा दूँगी आपको। कल ड्राइंग रूम भी थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद मिर्ची जो पिछले बार जो बनाया था वो मसाले बच गए थे, मैंने मसाला ज़्यादा बना लिया था, तो हमने आशु को बोला कि अगर फिर से मिर्ची मिलेगी तो और लेके आना, और वो मसाला को स्टोर करके रखा हुआ था। तो कल वो और 2 किलो, मतलब पिकनिक वाले दिन पहले 2 किलो मिर्ची ला के रखा था एंड आई वेटेड फॉर दैट। तो कल छुट्टी थी तो कल मैंने बैठ के वो 2 किलो मिर्ची का भी अचार बना लिया, तो वो मिर्ची का अचार हुआ और बस शाम को यूं ही ऐसे ही बीत गया पूरा बिज़ी डे। किसी को मिलने जाना था तो फिर वहाँ गए, उनसे मिल के आए, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एवरीबॉडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद द कैमरा, तो वो नहीं कर पाई। हाँ, आज शाम को एक गृह प्रवेश में गई थी तो उसको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, तो वो आप देखें। और अब जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, तो दिस इज़ व्हाट इज़ वैलेंटाइंस डे स्पेशल विद द पीपल हुम यू लव। तो चलते हैं, आपको ले चलती हूँ और दिखाते हैं कि कहाँ चलते हैं। और मेरे फ्लावर्स, रात का समय है बट सी हाउ इट इज़ शाइनिंग, देखिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर और ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द नाइट व्यू, नाइट को मैंने कभी भी आपको दिखाया नहीं है, सो नाइट का ऐसा ही है एंड वी आर गोइंग आउट, आई विल टेक यू अलॉन्ग विद अस नाइट। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने डिनर डेस्टिनेशन में और आज के लिए मैंने यही सोचा था कि फैमिली के साथ अपन यहाँ जाएंगे। सो ये हम अपनी जगह पहुँच गए हैं और अब हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। तो अंदर मैं और बात नहीं करूंगी, बस आपको दिखाऊंगी। यहाँ है स्पेस तो बोला, बाद में करना फोटो पर बना दे। क्या है सूप हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, स्टार्टर चल रहा है और आज बिल्कुल दिन ही था यार का, तो लेट्स सी
विथ फैमिली हर एक टाइम हर एक पल ही प्यार का होता है और सब जब साथ रहते हैं तो मज़ा ही आता है। सो ये अब डिनर का इंतज़ार करते हुए, एक्चुअली भीड़ बहुत थी तो वो लोग भी एक एक हर किसी को कुछ कुछ दे के एंगेज करके रख रहे थे, तो ऐसा था एंड इट वॉज रियली वेरी गुड। Think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Dinner is all over, friends. और मैं एक चक्कर बाहर का दिखाती हूँ। चलो finally a beautiful day came to an end। तो ऐसे ही हर जगह प्यार सबका बना रहे और we should keep loving each other and with this message आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। डू कीप लाइकिंग शेयरिंग कमेंटिंग एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।